दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गियर ट्रांसमिशन को खराब होने यानी डैमेज होने से कैसे बचाएं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गियर ट्रांसमिशन को आप कुछ सावधानी रखकर कैसे डैमेज यानी क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, गियर ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य है इंजन की पावर को व्हील तक पहुंचाना। यदि गियर ट्रांसमिशन क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि आपके गियर अटकने लग जाते हैं यानी गियर हार्ड हो जाते हैं। तो गियर ट्रांसमिशन को खराब होने से बचाने के लिए हमें किन गलतियों से बचना है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अभी इस वक्त मैं ओवरब्रिज पर हूँ। क्या होता है कि दोस्तों, जब हमारी बाइक का जो ओवरब्रिज से नीचे उतरती है यानी ढलान में होती है, चाहे ओवरब्रिज हो या कोई और भी ढलान हो, जब हम ढलान से नीचे उतरते हैं तो हम क्या है कि कुछ गलती कर जाते हैं। उनमें से एक गलती है कि कई बार हम पेट्रोल बचाने यानी फ्यूल की सेविंग के लिए इंजन को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, यह गलती आपने नहीं करनी है, आपने इंजन को बंद नहीं करना है। इससे क्या होता है कि दोस्तों, जो गियर ट्रांसमिशन है उनका लुब्रिकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब हमारा इंजन बंद होता है यानी जब हम बाइक के इंजन को बंद कर देते हैं और हमारी बाइक स्पीड में ही चलती है यानी रोलिंग में चलती रहती है, तो इससे जो ट्रांसमिशन है, गियर ट्रांसमिशन है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसको उचित मात्रा में लुब्रिकेंट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। और दूसरी गलती जो हम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों, हमारी जो बाइक है वो स्पीड में होती है और जैसे ही हम डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले होते हैं तो हम बाइक को पहले से ही बंद कर देते हैं यानी उसका इंजन बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा भी आपने नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जो गियर ट्रांसमिशन है उसका उचित प्रकार से लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है। यानी दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपकी बाइक स्पीड में हो तो आपने इंजन को बंद करने की गलती नहीं करनी है, यानी कि इंजन को बंद करके बाइक को फ्यूल बचाने के चक्कर में रोलिंग में नहीं चलाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के साथ में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।